नमस्कार दोस्तों, वैदिक पंचगव्य यूट्यूब चैनल में मैं अर्चना आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अस्थमा या दमा के बारे में आप सब जानते ही होंगे। बहुत बार ये भी कहा जाता है कि दमा दम लेके ही जाता है, क्योंकि एलोपैथी में आज तक इसकी कोई असरदार दवाई नहीं बनी जो इसे पूरी तरह ठीक कर दे। दोस्तों, दुनिया भर में 30 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं और हर साल करीब 25 लोगों की इस वजह से मौत भी होती है। पर क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार इसकी गंभीरता और लक्षणों के हिसाब से इस रोग के 3 प्रकार हैं, जो वायु, अग्नि और जल तत्व के असंतुलन के कारण उत्पन्न होता है। आज के वीडियो में मैं आपको अस्थमा के इन्हीं प्रकारों के बारे में बताऊंगी और साथ ही साथ जानेंगे कि किस प्रकार के अस्थमा के रोगी को क्या खान पान करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज़ मिलते रहें। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, अस्थमा या दमा वायु, अग्नि और जल तत्व के असंतुलन के कारण उत्पन्न होता है। तो सबसे पहला प्रकार है वायु तत्व के असंतुलन से होने वाला शुष्क अथवा ड्राई टाइप दमा। ये उन व्यक्तियों में पाया जाता है जिनमें त्वचा शुष्क हो, जिनका संगठन पतला और जिनमें कब्ज की शिकायत पाई जाती हो। दूसरा प्रकार है जल तत्व के असंतुलन से होने वाला संकुलन अथवा कंजेशन टाइप अस्थमा। यह गठिले शरीर वाले लोगों में पाया जाता है जिनकी हड्डियां मजबूत हो, जो सर्दी और खांसी से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और जिनके शरीर में जल का अवरोधन होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तीसरा प्रकार है अग्नि तत्व के असंतुलन से होने वाला संक्रमण अथवा इन्फेक्शन टाइप अस्थमा। यह पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति जिनमें सोराइसिस और चर्म रोग की संभावना अधिक होती है तथा जो लोग ब्रोंकाइटिस से ग्रस्त हो उनमें पाया जाता है। आइए अब जानते हैं अस्थमा के लक्षणों के बारे में। दोस्तों, अस्थमा के लक्षण व्यक्ति की संरचना पर निर्भर करते हैं। यदि समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो यह बढ़ जाता है और रोगी को अस्पताल में दाखिल करने की तक नौबत आ जाती है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को शारीरिक काम करने में दिक्कत अनुभव होती है तथा सामान्य कार्य को करने में भी थकान और असमर्थता महसूस होती है। परंतु सामान्यतः दमा के रोगी में सांस लेने में तकलीफ और अवरोध महसूस होता है। इस रोग में सीने व अन्य श्वसन तंत्र के अंगों में अचानक जकड़न व संकुलन उत्पन्न हो जाता है। छाती में दर्द होना, कमजोरी महसूस होना, सर में भारीपन होना, रात में ठीक से ना सो पाना, दिल की धड़कनें तेज होना, अचानक सांस फूलना और सांस लेते समय खर्राहट होना, ये कुछ लक्षण अस्थमा के रोगियों में पाए जाते हैं। और अलग अलग लोगों में अस्थमा के अटैक आने की वजह अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों को कुछ विशेष प्रकार के भोजन जैसे मछली, अंडा, सोयाबीन, केले जैसी चीज़ें खाने के बाद सांस लेने की तकलीफ महसूस होने लगती है। कुछ एक्सटर्नल ट्रिगर्स जैसे धुआं, धूल मिट्टी, प्रदूषण या किसी तरह की कोई स्मेल से भी अचानक घबराहट बढ़ने का कारण बन सकता है। घर में पाए जाने वाला फंगस, डैंड्रफ, पालतू जानवरों के बाल तथा धूल मिट्टी भी अस्थमा की समस्या को और बढ़ा सकते हैं। तो अब जानते हैं अस्थमा के प्रकार के अनुसार अस्थमा से बचाव के उपाय। तो सबसे पहला है ड्राई टाइप अस्थमा। इस प्रकार के अस्थमा में जलीय पदार्थों का सेवन अधिक करें एवं नाक, हाथ, पैर, पीठ को हवा से बचा के रखना चाहिए और ठंडे प्रदेश में इन्हें ढककर रखना चाहिए। सरसों या तेल के तेल से शरीर पर मालिश करें और गर्म तासीर का स्निग्ध भोजन करना हितकर है। ठंडे और बासी भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। दूसरा प्रकार है इन्फेक्शन टाइप अस्थमा। इस प्रकार के रोगियों को सब्जी और फल का सेवन अधिक करना चाहिए एवं रात्रि 10 बजे के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। इस रोग में हल्दी का सेवन अधिक करना चाहिए, काढ़ा बनाकर भी पीना चाहिए। प्राणायाम और योग का अभ्यास करना भी इन रोगियों में श्रेयस्कर है, क्योंकि इनमें यह रोग मानसिक तनाव और क्रोध के कारण ही मेनली होता है। तीसरा प्रकार है कंजेस्टिव या फिर कंजेशन टाइप अस्थमा। इस स्थिति में रोगी को दूध और इससे बने पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। भोजन में तीक्ष्ण, कसेले और मसालेदार पदार्थों का सेवन करना हितकर है। इससे जमी हुई श्लेष्मा के संचार में सहायता मिलती है। दोस्तों, जिन व्यक्तियों को श्वास लेने में दिक्कत हो उन्हें भोजन में काली मिर्च, हल्दी, अदरक जैसे औषधीय मसालों का इस्तेमाल अधिक करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना अस्थमा के प्रकार और अस्थमा के प्रकार के अनुसार उससे बचाव के तरीके। अगले वीडियो में हम जानेंगे अस्थमा को जड़ से ठीक करने के लिए कुछ असरदार और आसान घरेलू नुस्खे। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को शेयर करें उनके साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।